फिल्म बागी 2 जिसने पद्मावत को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2 के बारे में, जो कि आते ही आते पद्मावत को पीछे छोड़ दिया है। जब बात करें हम बॉक्स कलेक्शन की, तो पहले दिन ही पद्मावत ने 19 करोड़ रुपए के बॉक्स कलेक्शन के साथ अपनी बढ़त की थी, लेकिन बागी 2 के आते आते उसके बॉक्स कलेक्शन 25 करोड़ हो गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बागी 2 के बारे में, जिसने कि 2018 में एक अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। और आइए बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे दर्शक हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनको ये मूवी कैसी लगी। हमारे साथ यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी बागी 2 मूवी देख के अभी बाहर आए हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। हमें तो बहुत ही अच्छी मूवी लगी, हम आपको बता नहीं सकते हैं कि हमें कितनी खुशी हो रही है टाइगर श्रॉफ को काफ़ी लंबे समय के बाद मतलब वो स्क्रीन पे दिखे हैं। और हम तो उनकी पहली मूवी, इवन कोई भी मूवी उसकी छोड़ते नहीं हैं टाइगर श्रॉफ की, तो इस बार भी उन्होंने क्या कमाल का डांस किया है, क्या एक्शन है, तो हमें बहुत ही मज़ा आया। तो क्या लगता है आपको कि अभी अभी एक नंबर पर चल रही है अभी 2018 में, तो आगे क्या लगता है कि आगे ऐसी कोई मूवी आएगी जो इसका रिकॉर्ड तोड़ पाए? ये ऐसा लग रहा है कि अभी जिस हिसाब से मूवी चल रही है, तो हम तो दूसरी तीसरी बार देखने आने वाले हैं, और अभी तो फिर से देखने आए हैं दोबारा, टाइम देखने आए हम लोग। और मूवी की टिकट्स भी कितनी महंगी है, लेकिन हम लोग अफोर्ड कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा काम किया टाइगर श्रॉफ के काम को लेकर, बहुत ही मतलब लुक्स के लिए काम करते हैं, डांस के लिए, फिटनेस के लिए, हर चीज को लेकर वो पूरे डेडिकेटेड है, तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बाकी ये मेरे भाई लोग हैं, हम सब लोग इकट्ठे ही आए हैं। आपका क्या कहना है कि मूवी कैसी है, और इसके बारे में क्या कहना है कि आज 2018 में बहुत ही एक अपने नए मुकाम पे है, तो आपका क्या कहना है कि इसके मुकाबले कोई ऐसी मूवी आएगी? और अच्छे अच्छे एक्शन लेके आएंगे, हमें इतना पता है कि वो न्यू एक्शन लेके आता है, न्यू जिमनास्टिक मार्शल आर्ट है भाई, वो एक बेस्ट डांसर है, वो MJ को ट्रिब्यूट करते हैं, वो बहुत अच्छा डांसर है, हमें इतना हम उनको देखे बहुत ऑब्वियसली उम्मीद किया जा सकता है, वो एकदम बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर रिव्यूइंग। और आगे देखने वाली बात ये होगी अगले 5 दिन में जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कितना बढ़ता है, और सबसे बड़ा चैलेंज होगा उन आने वाली मूवीज़ के लिए जो कि बागी 2 के लिए आगे आएगी, और ये किस तरह से बागी 2 को पीछे छोड़ते ये देखने वाली बात होगी। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, BNB न्यूज़ मुंबई। आपको बता दें कि 2018 में बॉक्स कलेक्शन में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पाने वाली बागी 2 मूवी बन चुकी है। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ BNB न्यूज़ मुंबई।